निरीक्षण हमने किया है और इससे पहले भी हमारी कुछ बैठकें हुई हैं और बहुत हद तक हमारा जो टारगेट था अचीव होने को है। जो रिको एरिया का जो नाला था जो चोक था वो अब खुल चुका है। लास्ट में एक ब्लॉकेज है जिसके भी पाइप्स आजकल में आके और वो चेंज हो जाना है, तो मोस्टली जो पूरा नाला है हमने क्लियर करा दिया है और उसका भी एक्सटेंशन भी होना है जिसका रिको ने एस्टिमेट बना दिया है। वो सैंक्शन होते ही उसको और भी हम विस्तार करेंगे। तो अभी जो मेन समस्या थी जिस नाले की वो खुल चुका है और जो थोड़ा सा ब्लॉकेज बचा है वो आज कल में ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो बहुत हद तक हमें इस चीज़ में सफलता मिल चुकी है। मैम, इसके अलावा जो अतिक्रमण है उधर नालों के ऊपर उनको किस तरह से हटाया जाएगा? इसके अलावा आप कौन से अतिक्रमण? NRL पेट्रोल पंप पर इस तरह से जो NRL पेट्रोल पंप से जो ये एक कच्ची नाला आ रहा है वो खुल चुका है। उसके बाद में रिको का एरिया था जो रिको ने नोटिस इशू किए, उसके बाद में मोस्ट ऑफ द अतिक्रमण जो था वो वहाँ से हटाया जा चुका है। अब जो वहाँ पे कचरा रखा है उसको भी वो लोग रिमूव कर देंगे। एक दो जो बचे हुए हैं वो अतिक्रमण हट जाएगा। एसोसिएशन भी हमको पूरा सहयोग कर रही है। सुधीर जी जो प्रेसिडेंट एसोसिएशन के वो साथ में ही थे और उन्होंने इंश्योर किया कि आगे जो निजी संपत्ति वाला अतिक्रमण है वो उसको अपने रिसोर्सेज से उसको आजकल में हटवा देंगे। ठीक।